ट्राई के नए नियम के आने के बाद समस्याएं बहुत बढ़ गई, वो डीटीएच प्रोवाइडर हो, केबल ऑपरेटर हो या फिर सब्सक्राइबर हो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स को पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है और फिर उनके चैनल को कम कर दिया गया। जो उनके पहले पैक चल रहे थे लंबे पैक, मतलब कि 6 महीने 1 साल का पैकेज था, उसको बंद कर दिया गया और उसके जगह पे मंथली पैक स्टार्ट कर दिया गया। इसके अलावा जो डीटीएच प्रोवाइडर्स हैं उनको अपने ब्रॉडकास्टर के साथ बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इंडिपेंडेंट टीवी उसमें का ताजा एग्जांपल है जिसके अंदर बहुत सारी समस्याएं आ गई और वो टीवी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्लान्स की, तो ट्राई के पास काफी ज्यादा मात्रा में कंप्लेन जब जाने लगे तो उसके बाद ट्राई ने टाटा स्काई, एयरटेल, डीटीएच और डिश टीवी इनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप लोग फिर से जो अपने पैक्स हैं लॉन्ग टर्म उसको अनाउंस कीजिए, उसको लेके आइए। तो सभी कंपनियों ने अपने अपने पैक लॉन्ग टर्म में अनाउंस किए हैं और लेके आए हैं। इसके अंदर जो है टाटा स्काई जो है उतना आगे निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा बाकी सारी कंपनियों ने बहुत बेहतरीन पैक बनाए हुए हैं। सबसे पहले अगर बात करें, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि D2H जो कि वीडियोकॉन D2H है, इन्होंने इसमें सबसे आगे बढ़त बनाई हुई है और इन्होंने जो पैक अनाउंस करे हैं उसके अंदर अगर आप 3 महीने का रिचार्ज करते हो तो आपको 7 डेज का फ्री दिया जाएगा। 7 डेज का फ्री देने का मतलब यह है कि 7 दिन के लिए आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर 6 महीने का आप करते हो तो आपका 15 डेज हो जाता है। उसके बाद अगर 11 महीने का करते हो तो आपका 30 डेज, मतलब 11 महीने का रिचार्ज करो और 1 साल तक आप बिल्कुल आराम से टीवी को देख सकते हैं। ऐसे ही 11 के बाद 22 करोगे तो जो 30 डेज है वो 60 हो जाएगा बढ़ता हुआ। अगर आप 55 महीने का रिचार्ज करते हो तो जो आपका टीवी फ्री है वो 150 दिनों का सब्सक्रिप्शन, मतलब लगभग 5 महीने का सब्सक्रिप्शन आपके प्लान के साथ ऐड कर दिया जाएगा। आपको 12 महीने की जगह 60 महीने, मतलब कि 5 साल का सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाएगा। ये काफ़ी लंबा टाइम है लेकिन वीडियोकॉन D2H ये प्लान लेके आया हुआ मार्केट में। इसके बाद अगर हम बात करें डिश टीवी के बारे में तो डिश टीवी ने जो पैक्स दिए हुए हैं वो 1 साल तक के लिए दिए हुए हैं। सेम तरीके का जो प्लान है वो उन्होंने दिया हुआ है। पहला, वो अगर आपका पैक 3 महीने का लेते हो तो आपको 7 दिन तक आपको कोई भी रिचार्ज उसके आगे नहीं करना पड़ेगा, 7 दिन फ्री में वो आपको दिखाएंगे। इसके बाद अगर आप 6 महीने का करते हो रिचार्ज तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो 15 डेज का मिलेगा। लेकिन अगर आप 11 महीने का रिचार्ज करते हो एक साथ तो आपको 1 महीने का फ्री में देंगे जो कि आपको 12 महीने का टोटल पैकेज हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि वीडियोकॉन D2H और डिश टीवी दोनों जी नेटवर्क के अंदर आते हैं। आने वाले समय में हो सके कि बिग के एयरटेल हो जाए लेकिन अभी फिलहाल ये प्लान चल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें टाटा स्काई की तो टाटा स्काई जो है वो सभी मामलों में अव्वल है, मतलब कि टाटा स्काई के अंदर आपको सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी, क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन इसके रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। रेट्स ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि इनके पास जो पैकेज है वो ये है कि अगर आप 1 साल का रिचार्ज कराते हैं तो आपको 30 डेज का ये आपको बेनिफिट देंगे, मतलब कि 30 डेज के लिए आपको पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। 1 साल का रिचार्ज कराओगे आप 13 महीने तक इनके सर्विस का लाभ उठा सकते हो। इसके बाद जो सबसे बड़ी खबर और सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है एयरटेल की तरफ से कि उन्होंने जबरदस्त प्लान बनाए हुए हैं और इसके अंदर 100 प्लान्स हैं जो कि एयरटेल ने बनाए हुए हैं, जिसमें उन्होंने लॉन्ग टर्म अलग अलग रीजनल पैक का अलग बनाया हुआ है और जितने भी हिंदी पैक हैं उसके अलग बनाए हुए हैं, स्पोर्ट्स वाले का अलग बनाया हुआ है। मतलब कि इसके अंदर एनुअल पैक में सबसे आगे अगर कोई बढ़ता हुआ दिख रहा है तो है आपको एयरटेल। अगर आप एयरटेल का लंबा प्लान लेते हो, 6 महीने का रिचार्ज करते हो तो 1681 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे और इसके अलावा अगर 12 महीने का आप रिचार्ज कराते हो तो आपको सिर्फ 3081 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे फ्री वाली कोई बात नहीं है, 10 दिन 5 दिन या 1 महीना, यहाँ पे सीधा आपको पहले ही कम कर दिया जा रहा है। ये अच्छा तरीके का ऑफर है, मतलब कि आपको अगर 320-30 के आसपास हिंदी वैल्यू पैक में लग रहे थे तो उससे आप कैलकुलेट करोगे तो 500-600 रुपये का आपको अंतर पड़ जाएगा और आपको 3081 रुपये में 12 महीने तक बिना किसी रुकावट टीवी देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने इंडिपेंडेंट टीवी में 2,500-2,500 रुपये खर्च किए थे उसके अंदर भी आप ऐसे ही देख रहे थे 1 साल के लिए, यहाँ पे एयरटेल में आप 3081 रुपये देके पूरे साल का टीवी एंजॉय कर सकते हो और हिंदी वैल्यू पैक के अंदर आप सब कुछ देख सकते हो, स्पोर्ट्स चैनल भी एक आता है इसके अंदर। इसके अलावा अगर कोई पैक के बारे में आपको जानकारी है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस इन्फॉर्मेशन को लाइक कीजिए और बताइए कि कौन सा D2H कनेक्शन आपके यहाँ है और आपने लंबा पैक लिया है तो कितने का लिया है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद लंबा पैक लेने जा रहे हैं तो कितने दिन का लंबा पैक आप एक्टिवेट करवाएंगे अपने टीवी चैनल पे। दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सब तक शेयर कीजिए कि वो लोग जो है एक लॉन्ग टर्म प्लान ले सके। लॉन्ग टर्म प्लान लेने का फायदा यह है कि उनके पैसे बचत होंगे। इसके बाद अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा बनाता
करवाता हूँ, मोबाइल से रिलेटेड, डीटीएच से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और कोशिश करता हूँ कि आपको जागरूक रख सकूँ। आप मोबाइल से रिलेटेड वीडियो भी और टीआरपी से रिलेटेड वीडियो मैं आने वाले टाइम में बहुत तक पहुंचाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लिया तो घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप तक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचेगी, तभी आप जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप जागरूक होंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।